नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पिक स्टूडियो प्रो पे। यह एक ऑनलाइन फोटो सिलेक्शन सॉफ्टवेयर है। इसे यूज़ करना बहुत ही सरल है, चलिए देखते हैं कैसे। पिक स्टूडियो प्रो डॉट कॉम पे आने के बाद हमें लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हम आसानी से मोबाइल नंबर पे OTP के द्वारा लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। नंबर डालने के बाद हमें लॉगिन पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का कोड आएगा, जिसे यहाँ पे टाइप करना है। OTP डालने के बाद यहाँ पे आपको 3 चीज़ें पूछी जाएंगी, आपका नाम, आपका स्टूडियो का नाम और ईमेल आईडी। इन्हें टाइप करने के बाद साइन अप पे क्लिक करके हम अपना नया अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। अब फोटो सिलेक्शन के प्रोसेस के लिए सबसे पहले हमें एक कस्टमर ऐड करना होगा। ऐड कस्टमर में क्लिक करने के बाद पहले उसका नाम और उसके बाद उसका मोबाइल नंबर डालेंगे। इस मोबाइल नंबर पे हम उन्हें उनका सिलेक्शन कोड भी भेजेंगे। यहाँ पे हमारा कस्टमर ऐड हो गया है। अब जाएंगे फोटो सिलेक्शन पे। फोटो सिलेक्शन पे जाने के बाद ऐड फोटो सिलेक्शन पे जाते हैं। उसके बाद सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे कस्टमर। कस्टमर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टाइप करना है उसका इवेंट। फिर जैसे ही हम डन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक फ़ोटो सिलेक्शन का कार्ड रेडी हो जाएगा, जिसपे उसकी बेसिक डिटेल्स और साथ ही साथ सिलेक्शन कोड भी आपको मिल जाएगा। अब इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद क्रिएट न्यू फोल्डर पर जाएंगे और यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। यहाँ से आप उसे रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा फोल्डर क्रिएट हो गया है। फोल्डर में जाने के बाद अपलोड फोटोज़ के ऑप्शन में जाएंगे और फोटो सेलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ ऑलरेडी कुछ फ़ोटोज़ निकाल के रखे हुए हैं, इन्हें सेलेक्ट करते हैं और ओपन करते हैं। यहाँ पे मैंने अभी सिर्फ टोटल 100 फोटोज़ अपलोड की हुई हैं। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे, आपका बेसिक प्लान एक्टिव हो जाएगा। बेसिक प्लान में आप एक कस्टमर ऐड करके, एक इवेंट रेडी करके, उस पर एक फोल्डर और 100 फोटोज़ ही अपलोड कर सकते हो। जैसे ही आपके सारे फोटोज़ अपलोड हो जाएंगे, आपको सारे फोटोज़ यहाँ पे शो होने लगेंगे। ऊपर आप काउंट भी चेक कर सकते हैं। और नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। अगर आपको इसमें से कोई फोटोज़ हटानी है, तो फोटो के ऊपर होवर करने पे आपको एक डिलीट का बटन मिलेगा, जिससे आप कोई भी फोटो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम फोटो सिलेक्शन कार्ड्स पे। यहाँ से हम सेंड SMS के बटन के द्वारा अपने क्लाइंट को SMS में सिलेक्शन कोड भेज सकते हैं। इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या प्रोसेस है फोटो सिलेक्शन का। सेंड SMS पे क्लिक करने के बाद हमारे क्लाइंट को कुछ इस तरह का मैसेज जाएगा, जिसमें सिलेक्शन कोड, ऐप की लिंक और अगर वह वेबसाइट के थ्रू फोटो सिलेक्शन करना चाहते हैं तो वेबसाइट की लिंक। यहाँ पे मैं आपको ऐप के द्वारा फोटो सिलेक्शन करके दिखाऊंगा। जो कोड हमें मिला है, हम उसे यहाँ पे टाइप करते हैं। और वेरीफाई करने के बाद हमें वह फोल्डर शो होने लगेगा। सिलेक्शन के लिए यहाँ पे 2 बटन्स दिए हुए हैं, एक नॉर्मल सिलेक्शन के लिए और एक फेवरेट के लिए।
जैसे ही क्लाइंट का फोटो सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो, वो कंप्लीट के बटन पर दबाएगा और ओके करेगा। इसके बाद हमारे पास एक मैसेज आएगा कि हमारे क्लाइंट ने अपना फोटो सिलेक्शन कंप्लीट कर लिया है। क्लाइंट के फोटो सिलेक्शन के बाद अब हम चलते हैं अपने फोटो सिलेक्शन कार्ड पे। अब फोल्डर पे जाएंगे और उस फोल्डर में जितनी फ़ोटोज़ हैं उसमें से कितनी सिलेक्टेड इमेजेस हैं और कौन कौन सी फ़ोटो सिलेक्ट हुई हैं उनके ऊपर आपको ग्रीन कलर का डॉट मिल जाएगा। अब शॉर्टिंग के लिए गेट सिलेक्टेड इमेजेस पे क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पे पाथ डालना है। जो हमारा सोर्स फोल्डर है, मतलब जहाँ पे हमारी फ़ोटोज़ अभी रखी हुई हैं, वहाँ का हम लोकेशन कॉपी करेंगे। यहाँ पे पेस्ट करेंगे। डाउनलोड पे दबाने के बाद एक फाइल डाउनलोड होगी, इसे ओपन करेंगे और रन करेंगे। और यहाँ पे सारी सिलेक्टेड इमेजेस यहाँ कॉपी हो जाएंगी और जिसपे हमने इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है वो अलग से फोल्डर पे हमें मिल जाएगा। जैसा कि आप सब्सक्रिप्शन में देख सकते हैं, बेसिक फ्री प्लान है वो एक्टिवेट हो चुका है, जिसमें आप 5 कस्टमर ऐड कर सकते हो और एक कस्टमर में एक इवेंट ऐड हो सकता है, एक इवेंट के अंदर एक फोल्डर और फोल्डर के अंदर 100 फोटोज ऐड कर सकते हैं। और प्रीमियम में आपको सारी चीज़ें अनलिमिटेड मिलेगी, अनलिमिटेड कस्टमर्स, अनलिमिटेड इवेंट्स, अनलिमिटेड फोल्डर एंड अनलिमिटेड फोटोज। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो समझ में आई होगी और फोटो सिलेक्शन का प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए आप हमारे वेबसाइट पे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं और हमें मैसेज कर सकते हैं।